बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ऑरेंज का सीज़न चल रहा है, हमने सोचा कि आज हम घर पर ऑरेंज का जैम बनाएं। सबसे पहले हमने ऑरेंज लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया है। सबसे पहले हम इस तरह काटेंगे, फिर ऐसे सारे जो ऑरेंज जो है हमने इस तरह साफ कर लेने हैं। सारे ऑरेंज इस तरह हमने साफ कर लेने हैं। ऑरेंज हमने काट लिए हैं, अब हम इनको बीज निकालेंगे। इस तरह एक एक करके सारे बीज निकाल लेंगे और दरमियान से भी हमने इनको इस तरह साफ करना है। ये देखें, इस तरह बीज निकाल लेंगे हम सारे। आपने अच्छे से सारे बीज निकाल लेने हैं। ये देखें, इस तरह एक एक करके और दरमियान से भी इस तरह आपने इनको साफ कर लेना है। सारे ऑरेंज हमने साफ कर लिए हैं और बीज सबके निकाल लिए हैं। अब हमने जूसर लिया है, इसमें हमने ऑरेंज डाले हैं, अब इनका हम जूस निकालेंगे। अब हम इनका जूस निकालने लगे हैं। जूस हमारा रेडी हो चुका है, अब हम आगे आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। साथ ही हमने पैन लिया है और जूस को इसमें डाल रहे हैं और साथ ही इसको पकाएंगे। जूस को हमने दरमियानी आंच पर पकाना है अच्छी तरह, साथ साथ चमचा भी हिलाते रहना है। एक कप हम चीनी का डाल रहे हैं। अच्छी तरह इसको पकाना है ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये फूड कलर हम डाल रहे हैं। ऑरेंज फूड कलर हमने डाला है और अच्छी तरह हमने चमचा लाते रहना है जब तक ये थिक ना हो जाए। हमने अच्छी तरह इसको पकाना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे और वक्फे वक्फे से चमचा भी हिलाते रहना है। ये है कॉर्नफ्लावर 1 बड़ी चम्मच। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। माशाल्लाह, जैम हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हा ऑफ करना है और इसको ठंडा होने के लिए रखना है। अभी छोटी सी जैम की बोतल हमने ली है, अब हम इसमें इसको डालेंगे। देखें, हमने ये बोतल छोटी भर ली है, हल्का हल्का गर्म ही है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अपनी जगह अच्छी तरह सेट हो जाए। माशाल्लाह, ये देखें हमारा जैम रेडी है। अब हम इसको स्लाइस पर लगाकर दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें, बच्चों को लंच में दें। यकीनन बड़े भी बच्चे भी सभी पसंद करेंगे। और आपने ज़रूर हमारी वीडियो में कमेंट में बताना है कि ये आपको
हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।